Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And since today our the most important topic is Newton forward interpolation formula. Students, आज हमारा ये Newton forward interpolation formula का student जो है वो seventh part है. हम इसमें part seven करने जा रहे हैं. इसका six part हम already मैं आपको YouTube पर upload करा चुका हूँ. उसमें student हमने जो है Newton forward interpolation के ऊपर जो बहुत ही important जो questions हैं जो आपके एग्जाम में मतलब आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो मैंने सॉल्व कराया. तो इसी की सिक्वेंस में स्टूडेंट न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में एक स्टूडेंट क्वेश्चन और है कि जब वो आपको पॉलीनोमियल के फॉर्मेट में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तब उसको मैं कैसे सॉल्व करना है. इससे पहले स्टूडेंट हम दो क्वेश्चन जो है वो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि जब आपको इंटरवल्स में जब आपको जो है आपको जब डेटा जब गिवन था तो हमने उसको कैसे करेंगे वो मैं ऑलरेडी हम उसके ऊपर दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. ठीक है स्टूडेंट, ये हम जो है डिस्कस करेंगे अभी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन है वो. तो स्टूडेंट्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि पॉलिनोमियल से आता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज. ठीक है, तो स्टूडेंट ये है एक्स, एक्स में है 0, 1, 2 और 3 और एफ एक्स में 1, 2, 1, 0. ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसमें स्टूडेंट क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है यानी कि स्टूडेंट जो इक्वेशन जो आएगी वो हमारी x के टर्म में होगी जिसकी पावर क्या होगी, थर्ड होगी. यानी क्यूबिक यानी कि क्यूबिक में स्टूडेंट क्यूब जो होता है वो उसकी पावर 3 होती है. x के फॉर्मेट में ऐसी इक्वेशन जिसमें स्टूडेंट जो है जिसमें x की जो पावर जो हो क्या हो वो 3 हो. ठीक है स्टूडेंट, तो उसके फॉर्मेट में हमें जो है हमें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से हमें इसको सॉल्व करना है. तो उसमें लिखा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग डेटा. ठीक है, इसमें स्टूडेंट हमें जो है इसको जो है सॉल्व करना है. अब देखो स्टूडेंट इसमें मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसको हमें निकालना है. तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये गिवन नहीं है कि हमें किस पर वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. हमें जो है किस पर वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. मतलब कि क्वेश्चन गिवन आपको होता था कि भाई जो है एक्स की जो है वैल्यू जो है आप मतलब किसी एक उस पर निकालिए. मान लो जैसे सपोज दैट जो भी कोई आपकी वैल्यू थी गिवन हो कि जैसे मान लो ये गिवन होता, मान लो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है स्टूडेंट. ठीक है, आप ये देखिए तो इसके स्टूडेंट बीच में जो है एक एक का डिफरेंस है. ठीक है, हाँ, इसके बीच में इन सभी के बीच में जो है एक का डिफरेंस है. तो मतलब ये नहीं दे रहा कि x की किस वैल्यू पे जो है वो आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्यों, क्योंकि इसमें स्टूडेंट वो आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कह रहा है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये स्टूडेंट हमें जो है इस क्वेश्चन में हमें सीखना है करना है. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसकी टेबल हम बनाएंगे. देखिए हमने यहाँ लिखा x और यहाँ हमने लिखा एफ एक्स, तो ये हो गया 0, 1, 2 और 3 और ये हमारा हो गया 1, 2, 1 और 0. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया एफ एक्स जो कि हमें हमें गिवन है. और फिर हम इसको स्प्रेड करके इसकी टेबल बना लेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स यानी पहला, तो दो में से एक गया एक जो हम स्पिन करते हैं माइनस करते हैं. 1 - 2 गया तो माइनस के 1 और 10 में से 1 गया तो 9 यानी 1 - 1 और 9. ठीक है, फिर निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स यानी कि ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 तुम्हारा आ जाएगा ये माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 2 और 9 माइनस माइनस 1 तो इसको ये क्योंकि 9 माइनस माइनस 1 तो ये स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 10. फिर निकालेंगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स तो ये आ जाएगा 10 माइनस माइनस 2 यानी हम ये हमारा आ जाएगा 12. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये डेटा आ गया जो हम सॉल्व करेंगे.
ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जो है वो टेबल जो है वो हमारी बन गई। इतना हमने जो है काम किया, ठीक है, इतना हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन भी मैंने आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। अब स्टूडेंट बाय द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फार्मूला, जो हमारा जो फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हम जो है नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो फार्मूला है वो होता है FA plus HU is equals to, जो भी हमारा फार्मूला है उस फार्मूले को हम जो है नोट करेंगे, FA plus HU is equals to FA plus U delta FA। FA आएगा हमारा, यानी कि FA plus U delta FA प्लस U माइनस वन डेल्टा स्क्वायर FA अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, FA U delta FA प्लस U माइनस वन डेल्टा स्क्वायर FA अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस U माइनस वन U माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब। अब देखिए इसमें हम इसको डेल्टा क्यूब एफ ए तक ही हम रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो है हमारे टेबल में जो है वो डेल्टा क्यूब एफ ए तक ही हमें, हमने जो है वो डेटा हमें लास्ट में दे रखा है, तो आगे के टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूले में, क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यूब एफ ए तक ही हमारा दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बात हुई। अब देखिए इसमें जो समझने वाली बात है, देखिए इसमें जो हमारा ये ए प्लस एच यू में स्टूडेंट जो है वो हमें कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट चूंकि हमें पॉलीनोमियल हमें एक्स के फॉर्मेट में निकालना है, तो देखिए इसमें जो वैल्यूज जो हमें गिवन है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि हमें उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल में निकालना है, यानी एक्स के फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन होगी, यानी एक्स की पावर जो होगी वो क्या नाम है, एक्स की पावर में हमें आंसर निकालना है, जो भी इक्वेशन बने उसमें सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ए प्लस एच यू को स्टूडेंट हम यहाँ पे मानेंगे एक्स, मतलब हम एक्स लेंगे यहाँ पे, तो हम स्टूडेंट वो वैल्यू रखते थे जिस वैल्यू पे हमें फाइंड आउट करना होता था क्वेश्चन में, जो से पहले क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमने करे हैं, चूंकि इसमें हमें निकालना है पॉलीनोमियल क्यूबिक फॉर्म में, तो हम जो है इसमें ए प्लस एच यू बराबर एक्स को हम जो है मानेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ए हमारा क्या हो गया, ए स्टूडेंट हमारी हो गई, यानी ए हमारी जो क्या होता है, ए हमारा होता है एक्स की पहली वैल्यू, तो ए बराबर हो गया हमारा जीरो, जो कि ये जीरो गिवन है, फिर एच यानी एक्स की जो वैल्यूज है इसके बीच में डिफरेंस, तो वो है स्टूडेंट हमारा वन, और यू की जगह यू ही रखेंगे, ये एक्स हो गया, तो स्टूडेंट यू की वन से मल्टीप्लाई, यानी यू बराबर स्टूडेंट हमारा आ गया एक्स। कहने का मतलब ये है फॉर्मूले में स्टूडेंट जहां पर यू है वहां पे हम क्या रखेंगे, वहां पे जो है हम स्टूडेंट जो है एक्स को पुट अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम इसको करते हैं, फिर ये इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये स्टूडेंट हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया एफ ए प्लस एच यू बराबर एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, एफ ए का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू एफ ए, ये एफ ए डेल्टा एफ ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए डेल्टा क्यूब एफ ए, यानी कि इस तरीके से हम इन वैल्यूज को लेंगे, क्योंकि ऊपर से हम वैल्यूज को हम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अब देखिए, यानी FA बराबर FA हमारा दे रखा है 1, तो हमारा यहां आ जाएगा 1 प्लस, अब U की जगह क्या आएगा, X आएगा, क्योंकि U बराबर X आया है, X और डेल्टा FA की वैल्यू क्या है 1, तो हमारा स्टूडेंट हो गया 1, ठीक है, प्लस U माइनस 1, यानी क्या आएगा यहां पे X माइनस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर FA, यानी कि हमारा यहां माइनस 2, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया हमारा यहां पे, और ये स्टूडेंट हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, और फैक्टोरियल 3 को हम ले सकते हैं क्या, 6, ये 6 हो गया, और डेल्टा क्यूब एफ की वैल्यू क्या रखी है 12, तो स्टूडेंट यहां हमारा आ जाएगा ये 12। ठीक है, इसको स्टूडेंट हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन जो हमारी आएगी वो स्टूडेंट जो आएगी, इसको आप स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा इस पूरे को, तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 2x³, ये हमारा आ जाएगा 2x³ माइनस 7x² 7x² 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x + 1 प्लस 6x + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वन तो ये आ ही गया, लास्ट में फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई करके, ये 2 से तो क्या माइनस 2 कट जाएगा, तो यहां माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 की से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये 6 दूनी 12, ये यहां 2 आ जाएगा, और फिर इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये fx बराबर 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 1 हमारा आ जाएगा, जो कि स्टूडेंट हमारी पॉलीनोमियल इक्वेशन है। तो हम स्टूडेंट ले सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक, हैंस द, हम ले सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड, हैंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक क्यूबिक पॉलीनोमियल इज y is equals to fx is equals to 2x cube minus 7x square plus 6x plus 1। ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया, ठीक है, y is equal to fx 2x cube minus 7x square plus 6x plus 1, ये स्टूडेंट हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट जो है वो आपका क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में पूछा जा, मतलब जा सकता है कि आपको जो है एक क्यूबिक पॉलीनोमियल आपको निकालना है, तो स्टूडेंट इसमें आप जो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है हमें a बराबर जो है इसमें 0 गिवन है और v हमें x बराबर हमारा आ गया u, ठीक है, हेंस और h बराबर हमारा आ गया 1, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारा जो है जो हमें जो डिफरेंस गिवन है इन सब में वो 1 गिवन था, तो हमने ये रखे, हमने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिया, तो हमने इसमें न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूले से हमने क्यूबिक पॉलीनोमियल को निकाला, जो कि स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए और इसमें देख के उसको जो है इसको नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके स्टूडेंट एग्जाम में बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, ये स्टूडेंट हमने जो है सॉल्व किए और मैंने आपको बताए। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है और भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आप जो है उनको सॉल्व कीजिए, और जो पिछले साल जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया स्टूडेंट वो भी मैंने आपको कराया, उसका भी सॉल्यूशन मैंने दिया, उम्मीद है आपने वो कर लिया होगा। और जो क्वेश्चन जो पिछले बार आपके एग्जाम में आया वो स्टूडेंट जो है मैंने कराया और उस जिसका आंसर आ रहा था 3.375, ठीक है। तो स्टूडेंट तो मुझे उम्मीद है वो क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो कर लिया होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम जो है न्यूटन जो है बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड है, तो अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट शुरू करेंगे बीसीए थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।